नमस्कार मेरे भाई बहनों, कैसे हो? मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप में से कुछ लोग डोनेशन भेजते हो, बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए आप कुछ कर रहे हो तो इनको थोड़ा सा मैं आपके जो हेल्प है वो उससे थोड़ा अच्छा सा खाना खिला पाता हूँ। कभी कभी डोनेशन आना बंद हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग भेजते हैं, तो थोड़ी थोड़ी हेल्प भेजते रहिए ताकि इन बच्चों को पेट भर खाना, दूध, ब्रेड और पेडिग्री खिला सकूं। वैसे ये जो जगह है, एक टेम्पररी टॉयलेट बनाया था मजदूरों के लिए, लेकिन अब ये जो जगह है मेरे बच्चों के लिए हो गई है। अभी यहाँ पर कोई मजदूर टॉयलेट के लिए नहीं आता है, इसलिए अच्छा है, नहीं तो मैं वो स्मेल से परेशान हो गया रहता। अब ये बस ये बच्चों का घर है मेरे, लेकिन अभी ये बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो ये बाहर निकल आते हैं। माँ भी उनकी बाहर बैठती है तो वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन अभी जो 8 दिन बारिश हुई उससे इन बच्चों का काफ़ी यानी बचाव हुआ। इसके अंदर में ज़्यादा पानी नहीं आता है तो बच्चे बस अंदर में मस्त थे 8 दिन बारिश में, कोई चिंता नहीं थी। बढ़िया जगह है, लेकिन देखो ये बाहर आने लगे। और यहाँ टोटल 7 पपीज़ थे, अभी 6 बचे हैं, तो एक पपी मिसिंग है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में आता हूँ और रात में आता हूँ, तो दिन में क्या होता है मुझे नहीं पता चलता। कुछ दिन पहले मैंने एक बच्चे को और एक लड़की को यहाँ खेलते हुए देखा था इन पपी से, तो शायद वो लेके गए होंगे। अगर लेके गए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो क्या हुआ पता नहीं चल रहा है एक पपी का। तो अभी इनका पूरा खाना पीना हो गया है। पहले दो दो तीन बार ब्रेड दिया, दूध ब्रेड, बाद में पेडिग्री दिया हूँ। और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं रोज़ सवेरे शाम यहाँ घर से पानी लेके ये जो मिट्टी का बर्तन रखा है उसमें डाल देता हूँ ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। अभी मित्रों यहाँ का बारिश पूरा ख़त्म हो गया है, वापस गर्मी चालू हो गई। नागपुर की गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी टेम्परेचर 48 तक पहुँच जाता है, तो इसलिए रोज़ सवेरे शाम पानी रखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच मित्रों, ऐसे ही डोनेशन भेजते रहिए ताकि मैं इनको पेट भर खाना खिला सकूँ।